बहुत सारे प्लेस टॉप ऑर्डर की सेलेक्ट कर ली गई, इवन ये फ़ख्र की बात करें, शर्जील हो या बाबर आजम हो, रिजवान हो या हैदर अली, तमाम लोग ही लग रहा था कि शायद सारे टॉप ऑर्डर के प्लेयर हैं, जिसकी वजह से हमारा कम्बिनेशन थोड़ा सा ख़राब हुआ। तो हारिस सुहेल, एक तो क्वेश्चन मेरा ये है कि कम्बिनेशन को आप कैसे देख रहे हैं, दूसरा हारिस सुहेल को किस परफॉर्मेंस की बुनियाद पर टीम में वापस ऐड किया गया है, और थर्डली छोटा सा मुझे बता देगा कि अहमद शहजाद इंजर्ड भी थे काफ़ी अर्से से, उनको कैंप में भी जो हाई परफॉर्मेंस कैंप है उसमें भी तल नहीं किया गया, तो उनके लिए क्यों आपने प्लान या उनसे कोई बात की है? देखें, पहले आपने बात की है वन डे टीम की, तो अनफॉर्चुनेटली उस पर देखें कि जब टीम जा रही थी तो वी सिलेक्टेड साउद शकील ऑन द फर्स्ट प्लेस, वो लास्ट मिनट पे इंजर्ड हो गए थे जिसकी वजह से वो टूर पे नहीं जा सके थे वाइट बॉल के, तो वो टीम के अंदर वापस आए हैं। तो आपको जो खिलाड़ी नज़र आ रहा था मिडल ऑर्डर का, क्योंकि ओरिजिनली वो सिलेक्ट हुए थे, आसिफ अली उनकी जगह रिप्लेसमेंट आए थे। जैसे मैंने पहले कहा, एरिया ऑफ कंसर्न डेफिनेटली हमारा वो है, और जिसकी वजह से आपने जो कुछ चेंजेस ओडीआई टीम में भी देखी हैं वो इसी वजह से आपको नज़र आ रही हैं, टू स्ट्रेंथन दैट एरिया। बाकी आपने बात की है जो हाई परफॉर्मेंस कैंप की, तो उसके अंदर देखें जितने भी प्लेयर्स आए हैं वो परफॉर्म करके डोमेस्टिक के अंदर आए हैं, चाहे आपने नाम लिया अहमद शहजाद का या और भी कोई इस तरह का प्लेयर है अगर जो मिस हुआ हुआ है, तो डेफिनेटली उनकी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं हुई होगी। अहमद शहजाद ने खेला है ये सीज़न, इस साल कुछ मैचेस वो खेले हैं, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं थी कि उनको भी कंसिडर किया जाए। नेक्स्ट सीज़न आने वाला है, चाहे वो अहमद है चाहे और प्लेयर्स हैं डोमेस्टिक में परफॉर्म करते हैं, अपना केस स्ट्रॉन्ग करते हैं, तो डेफिनेटली उनको कंसिडर किया जाएगा। देखिए डोमेस्टिक सीज़न मुझे याद है वो फर्स्ट क्लास खेले थे, अनफॉर्चुनेटली ही कुडंट परफॉर्म, तो टीम में अपनी फर्स्ट क्लास में जगह नहीं बना सके थे उसके बाद, लेकिन फिर मैं कहूँगा कि आने वाला सीज़न है, इसमें जो लड़का परफॉर्म करेगा उसको कंसिडर किया जाएगा।